वेद माता गायत्री जन कल्याण समिति द्वारा विश्व युवा केंद्र दिल्ली के सहयोग से संकट की इस घड़ी में दिव्यांग लोगों के लिए नन्ही पहल परियोजना के माध्यम से सहायता करने का बीड़ा उठाया गया। अध्यक्ष वेद माता गायत्री जन कल्याण समिति अनिल बेहतवान जी ने क्षेत्र के तमाम समाजसेवियों से आह्वान करते हुए कहा, नई पहल विश्व केंद्र और वेद माता गायत्री जॉइंटली जो प्रोग्राम चला रहा है, इसमें हम जैसे अभी पहले पुनीत जी ने बताया होगा कि हम इसमें एक किट बना रहे हैं जो हैंडीकैप जो लोग हैं उनको हम एक सहायता दे रहे हैं पूरे रोड क्षेत्र में। जो जो हमारे को लिस्ट हमारे पास आई है उनको हम पहुँचा रहे हैं। एक छोटी से पहले हम चाहते हैं कि आप इस सहयोग में हमारे सहयोगी बने। जय हिंद, जय माता। वहीं कार्यकारी समिति प्रधान उर्मिला ब्राक्टा जी ने दिव्यांगों का कुशल क्षेम पूछते हुए उनसे वार्तालाप किया। आपका शुभ नाम? नाम कुसुमलता। हमारा एनजीओ है, हम एनजीओ से आए हैं, वेद माता गायत्री जन कल्याण समिति। हम एनजीओ के माध्यम से आए हैं, तो हमारे साथ विश्व युवा केंद्र दिल्ली जुड़ा हुआ है, तो हम उनके सौजन्य से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कैसे लग रहा है? आप प्रेरणा हो सबके लिए। इस परियोजना को उपमंडल दंडाधिकारी रोहडू श्रीमान बीआर शर्मा जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर उपमंडल रोहडू में शुरू किया गया। वर्तमान में विश्व युवा केंद्र दिल्ली द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष में सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। जब जब भी क्षेत्र में किसी भी जगह आपदा या विपदा आई हो तो वेद माता गायत्री जन कल्याण समिति प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने में अग्रणी रही है।